हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्ट सिंगल पेज पे वर्क करेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने अभी प्रोडक्ट सिंगल पेज ओपन किया है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एक नया टैब ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिस्क्रिप्शन टैब है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रिव्यूज है। अभी रिव्यूज के बारे बाद में मेरे को एक नया टैब ऐड करना है, डॉक्स करके। कुछ भी आप टैब का नाम ऐड कर देते हो, ऐड कर सकते हो, और उसी टैब के अंदर आप एक स्मॉल इंफॉर्मेशन या तो कुछ भी आप एडवर्टाइज या तो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशंस उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन फाइंड्स किया है, जस्ट स्मॉल सॉल्यूशन से। तो यहाँ से मैंने एक कोड कॉपी कर रहा हूँ मैं, यहाँ से फिल्टर्स कॉपी। उसके पहले हम कोड का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि कोड्स एग्जैक्टली क्या है, उसका वर्क क्या है। तो यहाँ पे फिल्टर हुक है। फिल्टर हुक इसके लिए होता है कि जो फंक्शनैलिटी है, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, उसी को ही मॉडिफाइड करेंगे, यानी कि उसके अंदर ही हम नया टैब क्रिएट करेंगे। तो एक फिल्टर हुक यूज़ किया है हमें, WooCommerce टैब्स। उसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट किया है। टैब में से हमें क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट्स करके एरे पास करना है। उसके अंदर हमें डॉस नाम का टैब क्रिएट करना है। उसके बाद उसकी प्रायोरिटी सेट करना है और एक कॉल बैक फंक्शन करना है, और टैब्स को हमें रिटर्न्स करना है। कॉल बैक फंक्शन करने के बाद हमें ग्लोबली एक प्रोडक्ट वेरिएबल मिलेगा, जिसे आप प्रिंट आउट करोगे ग्लोबल से, तो आपको उसके अंदर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट की डिटेल मिलेगी, गेट नेम, एसक्यू, जो भी है, वॉट एवर्स। और उसके बाद आप मैन्युअली यहाँ पे टैग सेट कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक टैब क्रिएट करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि और हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको कोड को ऐड किया, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करते ही यहाँ पे एक टैबलेट जनरेट हुआ है, एक टैब जनरेट हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वॉट एवर कंटेंट फॉर द बैनी विथ द लोगो, यानी कि यहाँ पे जो कंटेंट टैग्स है यहाँ पे डमी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कंटेंट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ टेस्ट 1 2 3 XYZ, और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा टैक्स 1 2 3 बैनी विथ लोगो। तो यहाँ पे आप ये जो प्रोडक्ट नेम है, वो प्रोडक्ट नेम आप यहाँ से निकाल भी सकते हो, और यहाँ पे आप वो जो मैन्युअली टैग्स है यहाँ पे कोई भी आप टैग्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई जो टैग्स है वो आपको डायनामिकली ऐड करना है, कस्टम फील्ड से ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, WooCommerce कस्टम फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा बैकएंड्स में। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो अभी WP एडमिन ओपन करता हूँ मैं एक बार यहाँ पे। यहाँ पे मैंने WP एडमिन ओपन किया, ये मेरा प्रोडक्ट पेज है, यहाँ पे सारी प्रोडक्ट है। और यहाँ आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ नया टैग्स ऐड करना है। ओके, नया फील्ड आपने जो क्रिएट किया है वही फील्ड का आपको डेटा ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक कोई भी एक कस्टम फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी, मेटा बॉस क्रिएट पड़ेगा, और वही मेटा बॉस का आईडी के बेस के ऊपर आप यहाँ पे वो कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हो। तो इसी तरह से हम नए नए वीडियो हम यूट्यूब के लिए WooCommerce के ऊपर हम बताते हैं। तो आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।